नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, धर्म संवाद की इस कार्यक्रम ने हमने धर्म विज्ञान यह नई मालिका प्रारंभ की है। इस मालिका में हमने अलग अलग विषय समझ कर लिए। इसका उद्देश्य इतना ही था, जो बुद्धिजीवी है उनको धर्म के विषय में जानकारी मिले और जो श्रद्धालु हिंदू है उनको धर्म के विषय में स्वाभिमान निर्माण हो। इस उद्देश्य को लेकर हमने अलग अलग विषय समझ कर लिए। कल हमने यहाँ पर समझ कर लिया था कि गणित ये जो विषय है ये क्या प्राचीन हमारे धर्मशास्त्र में था, इसका वर्णन कहाँ कहाँ पर आया है, गणित इस शब्द इनकी निर्मिति कहाँ पर हुई है, तो ये सब हमने जान कर लिया। आज भी हम प्राचीन हमारे संस्कृति में गणित के बारे में अधिक जानकारी हम आज यहाँ पर करवा कर लेने वाले हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। आज हम उनसे संवाद करने वाले हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। मैं इस धर्म विज्ञान की संवाद को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे पूछना चाहूँगा, विश्व के विज्ञान में अगर हम देखते हैं तो पूरा विश्व का इतिहास है उसमें शून्य से लेकर नौ तक के ये जो अंक है ये भारत ने ही पूरे विश्व को दिए हैं, ऐसे कहा जाता है, तो इसके संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। गणित के संदर्भ में अनादि काल से, वेदों के काल से ही भारत की स्थिति बहुत अच्छी रही है और भारत का जो गणित का योगदान है वो विश्व के संदर्भ में कैसे, वो हम जान कर लेंगे। भारत के जो गणित तज्ञ थे उन्होंने जो अपनी गणित पद्धति थी उसको पद्य स्वरूप में उन्होंने अपनाया था और दूसरी महत्व की बात है कि उसको रस आए, गणित के अध्ययन में आनंद आए, इसके दृष्टि से उस पद्यात्मक लेखन को उन्होंने कलात्मक छवि भी प्रदान करने का जो प्रयास किया था वो उनकी एक बड़ी विशेषता थी। और गणित के संबंध में जो सबसे प्राचीन साहित्य मिलता है वो बखशाली हस्तलेख इस नाम से है और ये 1881 ईस्वी में तक्षशिला के समीप जो बखशाली नामक गांव है वहां पे ये पाए गए हैं। अन्य जो प्राचीनकृत आचार्य जैसे महावीर, आचार्य महावीर लिखित गणित सार संग्रहम, यह एक ग्रंथ है जिसका जीवन काल लगभग ब्रह्मगुप्त तथा भास्कराचार्य है इनके काल के मध्य का है। अब अक्षर लक्षण गणित शास्त्र, इस ग्रंथ में गणित के 84 प्रमेयों यानी हम जिसको थ्योरम कहते हैं या पद्धतियां कहते हैं गणित छुड़ाने की, तो 84 यानी 84 टाइप्स ऑफ थ्योरम्स जो है उसका उसमें लिखित उल्लेख है। अब अंकों के मूल्यांकन में भारत का सर्वोच्च योगदान क्या है जिसके आधार केवल भारत का ही गणित नहीं तो पूरे वैश्विक गणित कैसे है, तो अभी हम समझ लेंगे। अंक एक से लेकर नौ तक तथा शून्य, यह जो अंक है ये भारत की ओर से गणित और विज्ञान के क्षेत्र में भारत का सर्वोपरि योगदान है। भारतीय जो गणित तज्ञ थे उन्होंने अंकों को केवल गिनती करने के लिए या उनके आकार को ही नहीं समझा परंतु अंकों के जो उनके गुणवाचक और भाववाचक संज्ञा के रूप में भी अंकों को उन्होंने जोड़ा है या उसे संबंध स्थापित किया है। अब जो रोमन अंकों की जो तुलना है, रोमन अंकों की तुलना अगर हम भारतीय अंकों के चिन्हों के साथ साथ करते हैं तो रोमन के तुलना में भारतीय अंकों ने स्थान को भी बहुत महत्व प्रदान किया है। स्थान मतलब जैसे एक अंक है, दो अंक है, तीन है, तो जैसे हम यूनिट 10 100 इस तरह से जो अंकों का स्थान होता है तो स्थान की भी जो महिमा है वो भारतीय गणिती ने ही दिया है उसको।
अब विश्व भर में बुद्धिजीवी चिन्हों के माध्यम से कितनी गिनती करते करते जूझते रहते थे पता नहीं, और उनकी वो गिनती चली रही थी, परंतु उनको सफलता तभी हाथ में लगी जब भारतीयों द्वारा अंकों के आविष्कार किए गए और उसके बाद उसके स्थान का जो महत्व है वो बताया गया, और उसके मुताबिक उसका जो प्रायोगिक भाग था, यानी चाहे गणित के शिक्षण में वो कैसे उपयोग करे या व्यवहारिक जीवन में उनका कैसे उपयोग करे, इसके संदर्भ में जो प्रयोगात्मक उन्होंने जो प्रयास किए थे उसके कारण ही ये अन्य लोगों को समझना संभव हुआ है। अगर ये 1 से लेके 9 अंक या 0 ये अंक देने की अगर घटना घटित नहीं होती, तो वर्तमान जो गणित है या कंप्यूटर निर्माण के साथ जो जुड़ी हुई जो कोई अभी हमको प्रगति दिख रही है पूरे विश्व में, वो कोई प्रगति होना संभव ही नहीं था, ये हमें समझ लेने की आवश्यकता। इतना गणित का महत्व इन सभी प्रक्रियाओं में है। भारत के गणितज्ञों ने अंकों के स्थान के अनुसार उस अंकों का मूल्यांकन करके एक समस्या का जो समाधान पूरे विश्व को दिया है, उसके कारण ये गणित अत्यंत सहज, सुलभ और सरल हो गया है विश्व के लिए। यानी संख्या में अगर सबसे दाहिनी तरफ जो संख्या होती है, समझो 381 यह संख्या है, तो उसका सबसे दाहिनी ओर जो है 81, 381 में से वो जो एक अंक है वो एक गुणनफल को वो माना जाता है, यानी 1 × 1। अगर वहां 9 होता तो 1 × 9, यानी वो 9 ऐसे कहा जाता था। अब जो दूसरा अंक है 381 में का जो 8 है, तो उसका जो गुणनफल है वो 10 × 8 यानी 80 इतना होता है उसका फल। और जो तीसरा अंक है वो 100 का गुणनफल होता है, मतलब 381 में का जो सबसे तीसरा यानी दाहिनी तरफ से जो तीसरा अंक आता है उसका 100 गुणनफल होने के कारण वो संख्या 3 × 100 यानी 300 होती है। यानी 381 का अगर हम विभाजन करते हैं तो 300 अधिक 80 अधिक 1, इस दृष्टि से वो 381 ऐसा होता है। तो जो स्थान स्थान का महत्व समझकर उसकी जो गुण फल पद्धति पूरे विश्व को भारत ने समझाई है, उसके कारण ये गणित सहज सुलभ हुआ है। और इस क्रम से भारतीय गणित तज्ञों ने असंख्य अंकों तक का गुणनफल निकालना इतना सरल कर दिया है कि आज कितने भी कितने बड़े की बड़े संख्याओं का, चाहे गुणाकार हो भागाकार हो, जो भी आपको गणितीय क्रिया करनी है वो गुणनफल निकालना इतना सरल सोपा कर दिया है कि गणित के विश्व में एक क्रांति हुई है। यानी पाश्चात्य या अरब देश जिनको पहले ये गुणनफल की प्रक्रिया पता नहीं थी, तो उनका गणित इतना नीरस, इतना कठिन और इतना मर्यादित हुआ था कि भारत के इस गणित के योगदान ने पूरे विश्व में एक नया प्रवाह शुरू हुआ गणित का। और हमको जो वर्तमान आधुनिक गणित का जो प्रगति दिख रही है, या गणित के आधार पर चाहे कंप्यूटर हो, अवकाश विज्ञान हो, या अन्य जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन से लेके तो जो भी आपकी नई नई विधियां निर्माण हुई है, उस सब का जो एक बेस बना हुआ है, ये हमारा सीधा सरल ये जो गणित है वही उसका बेस है। अब प्रत्येक अंक को एक क्रम बाह्य खिसका कर 10 गुणा मूल्य प्रदान करके भारतीयों ने ये गणित की पद्धति सरल करके दिखाई है। अभी जैसे हमने 381 का उदाहरण देखा, तो पहला है वो तो एक का गुणनफल है, परंतु दूसरे स्थान पर जो था 8, वो 8 × 10 यानी 8 × 10 यानी 80 था, और उसके जो बाई और था वो 3 × 100। इस प्रकार हर इसको उन्होंने 10 10 गुणा मूल्य अधिक अधिक प्रदान करके उसकी कीमत आकी थी। तो इसी पद्धति को जब कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया, तो कंप्यूटर क्षेत्र की क्रांति भी इसी आधार पर संभव हो पाई है, ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में भारतीय गणित के संदर्भ में जो एक गणित तज्ञ ने बताया है, जिसको मोरक्कन फ्रांसीसी गणित तज्ञ कहा जाता है, जिसका नाम जॉर्ज इफ्रा था, तो जॉर्ज इफ्रा के कथनानुसार समस्त विश्व में भारतीय अंक गुणवत्ता ये अत्यंत सक्षम है। यानी
ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये किसी भारतीय या हमारे पारंपरिक क्षेत्र से किसी का ये वक्तव्य नहीं है। जिनको भारतीय अंक गुणवत्ता का क्षमता या उसके महत्व का आकलन हुआ है, उन्होंने ये हमारे गणित के संदर्भ में जो वक्तव्य किया है वो महत्व का है। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि शून्य की उपलब्धि, यानी ये गणित के इसमें जो शून्य और शून्य की उपलब्धि जो प्रदान हुई है उसका रहस्य क्या है, और शून्य मिलने के बाद ये जो पूरा वैश्विक गणित का क्षेत्र था, ये जो आधुनिक गणित का क्षेत्र है, वो कैसे फल फूल रहा है, वो भी हमें समझ लेना होगा। भारत की गणित की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि रही है, हमारे गणित तज्ञों ने जो विश्व को दिया है, वो शून्य का आविष्कार था। आज जिसके सहारे विज्ञान आकाश की ऊंचाई छूने के लिए तत्पर है और आकाश छूने का प्रयास कर रहा है, उसकी जो नींव है वो भारत ने ये जो शून्य प्रदान किया है विश्व को, उसके आधार पर ही हुई है। और सर्वप्रथम शून्य के अंक के प्रयोग का उल्लेख ईसा से 200 वर्ष पूर्व जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे उसमें मिलता है। अब सामान्यता एक का अर्थ एक होता है, दो का अर्थ दो है, आठ का आठ है, नौ का नौ है, तो एक से नौ का अर्थ तो हमें पता चल गया। तो शून्य का अर्थ क्या है? तो शून्य का अर्थ है कुछ नहीं। अब कुछ नहीं है तो ये पहले जमाने में कैसे दर्शाते थे? तो शून्य अंक एक बिंदी के, यानी हमको डॉट या पॉइंट कहते हैं, उस चिन्ह से वो दर्शाया जाता था। तदनुसार उसमें फिर क्या क्या फर्क हुआ कि उसको एक छोटे वृत्त की शक्ल का वो हो गया, यानी आज जैसे हम एक छोटा सा राउंड निकालते हैं उस तरह से वो जीरो हो गया है। तो भारत ने शून्य का अंक का केवल आविष्कार किया, इतनी तक भारत का ये गणित सीमित था क्या? नहीं, शून्य का आविष्कार करने के बाद उसके आधार पर पूर्ण पद्धति का निर्माण भारत में हुआ, और उसके कारण जो गणितीय संख्या की लेखन पद्धति और फिर अनेक अंकों की लेखन पद्धति और उसकी गिनती, यह जो सब है ये शून्य के आविष्कार के बाद ही शुरू हुआ। शून्य के क्रियात्मक प्रयोग, यानी कौन सी जगह किस संदर्भ में उसका प्रयोग करना है, वो जो क्रियात्मक प्रयोग है वो ब्रह्मगुप्त ने 800-1500 वर्ष पूर्व साकार किया था। और ये शून्य के आविष्कार के बाद ही दशमलव जो हमारी पद्धति थी कि उसकी जो एक टूटी हुई श्रृंखला थी उसकी कड़ी जोड़ी गई, क्योंकि दशमलव पद्धति तो हमने देखा है कल कि वो वेदों के काल से ही चल रही थी, चाहे यज्ञ की वेदियों का निर्माण हो, भवन का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, या अलग अलग जगह व्यापार हो रहा था उसमें दशमलव पद्धति गिनती के दृष्टि से या इसके दृष्टि से चल रही थी। मगर गणित के कौन से पद्धति में लेखन कैसे करें, इसमें कुछ त्रुटियां उस समय थी। और शून्य के आविष्कार के बाद दशमलव पद्धति की वो श्रृंखला जुड़ने के कारण आज ये गणित का जो पूर्ण स्वरूप हम देख रहे हैं, आधुनिक गणित का जो पूर्ण स्वरूप देख रहे हैं, तो उसकी नींव ये एक से नौ अंक और ये शून्य, ये जो भारत ने गणित को दिया है, विश्व को दिया है, उसके आधार पर हुआ है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो इतना बड़ा योगदान, यानी अगर ये नहीं होता तो शायद फिर भारत की तो प्रगति हो रही थी, निरंतर हो रही थी, मगर विश्व आज जो स्थिति में है वो स्थिति में नहीं दिखा होता, इतना निश्चित। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि वेद काल से भारत में जो गणित था तो उसका विश्व भर में विस्तार एवं विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। निश्चित, क्योंकि हमारे वेदकालीन, चाहे गणित हो, पारंपरिक विज्ञान हो, पारंपरिक चिकित्सा हो, पारंपरिक भवन निर्माण हो, या हमारे पारंपरिक कृषि क्षेत्र हो, या पारंपरिक हमारा धातु शास्त्र का निर्माण हो, ये अनादि काल से चल रहा है। क्योंकि वेदों में भी हमें पूजा के लिए जो बर्तन वगैरह चाहिए थे और वो विशिष्ट तांबे के धातु हो, इस तरह से जैसा उल्लेख आता है उस तरह से वेदों के काल से गणित की भी जो एक प्रगत अवस्था थी, तो वो विश्व में फैली कैसे, और फिर भारत का जो योगदान था उसको नाकार कर अन्यों को कैसे उसका श्रेय मिला, ये दोनों कड़ियां हम आज जोड़ने का प्रयास करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। भारत के भूमि पर जब इस्लामी आक्रांताओं का
आक्रमण शुरू हुआ और उसकी तीव्रता बढ़ने लगी, उसके बाद हमारे भारत में स्वयं को बचाना, स्वयं के राष्ट्र को बचाना और एक ऐसी भगदड़ सी मच गई थी और ऐसे अशांत वातावरण में हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो शोधकर्ता थे, हमारे जो अनुसंधान करते थे, उनके तरफ तात्कालिक राजाओं का भी दुर्लक्ष हुआ, धन का भी अभाव था और उस समय अनुसंधान या शोध कार्य करने के बजाय जो कुछ है उसको बचाने में ही सब वैज्ञानिक या ऋषि मुनि लगने के कारण गणित के अध्ययन की, जैसे अन्य शास्त्रों के अध्ययन की गति धीरे धीरे कम हुई, वैसे गणित के भी अध्ययन की गति मंद होना शुरू हुआ था। लेकिन यही समय था जब भारत में गणित की पुस्तकें भारी संख्या में अरब और फारसी भाषाओं में अनुवादित हुई, क्योंकि ये जो इस्लामी आक्रांता है उनकी मूल भाषा अरबी और फारसी थी। उन्होंने आक्रमण करके भारत के अलग अलग प्रदेशों में वो गए, फिर यहाँ के कुछ ग्रंथों का उन्होंने अपनी भाषाओं में भाषांतरण शुरू किया और फिर वो ग्रंथों को वो अपने देश में लेके गए। तो 8वीं सदी में बगदाद का जो एक इब्न तारिक और अल फजरी, ये दो बगदाद के जो प्रवासी थे, 9वीं सदी में मगरिब के अल कायरवानी, जो किताबफी अल हिसाब अल हिंद इस पुस्तक के लेखक थे, तथा 10वीं सदी में दमिश्क के अल उक्लिदिसी, जिन्होंने भारतीय गणित के अध्याय यह पुस्तक लिखा था। तो यह कुछ मैं नाम, व्यक्तियों के नाम और उन्होंने लिखे हुए पुस्तकों का संदर्भ आपके तरफ दे रहा हूं। तो इनकी वैज्ञानिक पुस्तकों का आधार मूलतः जो भारतीय अनुवादित या भाषांतरित जो भारतीय ग्रंथ थे वही थे। यानी भारत के ग्रंथ पहले अरबी और फारसी में भाषांतरण हुए, ये जब उनके देश में गए तो इस ग्रंथों के आधार पर फिर उन्होंने अपनी भाषा में नए ग्रंथों का लेखन किया। दिखने के लिए वो नए ग्रंथ थे परंतु उसका मूल आधार था जो भारत के जो अनुवादित ग्रंथ थे वही था। तो इस कड़ी से मूल भारतीय ज्ञान पहले उसका भाषांतरित होके वो देशों में गया और फिर उन्होंने उस पर नए अलग ग्रंथ बनाए। इस तरह से पहले वो अरब या इस्लामिक देशों में पहुंचे। अब भारतीय गणित की जो शानदार देन थी उसके संदर्भ में कई जो मशहूर अरबी हो या फारसी हो जो विद्वान थे वहां के, उस समय उन्होंने मुक्त कंठ से यह स्वीकार किया था कि भारत से ये जो हमको गणित के रूप में जो देन मिली है या भारत के गणितों के ग्रंथों का जो भाषांतरित ग्रंथ उनको मिला है तो उसके प्रति उनके मन में कृतज्ञता ही थी और इसके कारण वो मुक्त कंठ से उन्होंने भारत के श्रेष्ठत्व को माना था, स्वीकारा था। विद्वान अल गहत उसने लिखा था कि भारत यह ज्ञान विचार और अनुभूतियों का स्रोत है। यानी इस एक वाक्य में आप पूरी भारत की महिमा को समझ सकते हैं कि अल गहत कहता है कि भारत यह ज्ञान विचार एवं अनुभूतियों का स्रोत है। स्रोत का मतलब हम समझते हैं ना कि जहां से सभी बातों की निर्मिति होती है वो स्रोत कहा गया है। बाकी तो कॉपी पेस्ट कट पेस्ट, आधुनिक भाषा में अगर हमको उसको अगर उल्लेख करना है तो बाकी तो सब कॉपी पेस्ट कट पेस्ट ही चल रहा है और मूल निर्मिति का जो स्रोत है वो भारत था, ऐसे उसने स्पष्टता से कहा है। 956 ईस्वी में अल मौदूदी उसने पश्चिम भारत का भ्रमण किया था और उसने भारतीय विज्ञान के महत्ता के बारे में अपने ग्रंथों में या अपने प्रवास वर्णन में लिख के भी रखा था। अब सईद अल अंदलुसी, यह 11वीं सदी का एक स्पेन का विद्वान और एक दरबारी इतिहासकार था, भारतीय सभ्यता की जमकर तारीफ करने वालों में से वो एक था। यानी मैं ये इसलिए ये सब नाम बता रहा हूं क्योंकि ये सब एक तो अरब है, एक तो फारसी है या एक तो यूरोपीय भी है, हमारी दृष्टि से सब उस समय के विदेशी या सनातन परंपरा के जो विपरीत है, जैसे अब्राहमिक सेक्ट कहा जाता है, तो उस क्षेत्र से है वे। और उन्होंने
भारतीय सभ्यता की जमकर तारीफ करने वालों में से ये सब लोग थे। उसने गणित और विज्ञान के संदर्भ में भारत की जो विशेष उपलब्धियां थी उस पर उन्होंने अपनी विशेष टिप्पणी भी लिखी हुई है। अंततः भारतीय बीजगणित हो या त्रिकोणमिति हो, बीजगणित यानी अलजेब्रा, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, इन ग्रंथों के अनुवादों के एक चक्र से गुजरकर अब अरब दुनिया से ये स्पेन और सिसिली में पहुंचे और वहां से यूरोप में प्रविष्ट हुए। भारतीय ग्रंथ आक्रांता मुस्लिम भारत में आए। भारतीय गणित के ग्रंथ थे वो अरबी और फारसी भाषा में भाषांतरित हुए। ये अनुवादित ग्रंथ फिर अरब देशों में गए। वहां पे उन ग्रंथों के आधार पर वहां के लेखकों ने अपने भाषा में नए वैज्ञानिक ग्रंथ लिखे। और ये जब कड़ी ये चक्र से गुजार कर जब यूरोप में स्पेन या सिसिली तक पहुंची तो अब ये चक्र भारत से अरब देश और अरब देश से यूरोप तक पहुंची है। उस समय ग्रीस और मिस्र की जो वैज्ञानिक कृतियां थी या उनके जो वैज्ञानिक अनुसंधान थे तो अरबी और फारसी अनुवाद उनके लिए भारत में सुगमता से उपलब्ध हो गए। अब अरब वासियों ने अपने लेखन में यह स्पष्ट किया कि उनको गणित के संदर्भ पर यह जो ज्ञान है ये भारतीय अंकों से यानी हिंद से, क्योंकि अरब वासी हमको हिंद कहते थे तो हिंद से मिले हैं, और भारत से या हिंद से मिले कहकर उन्होंने अरब वासियों ने तो उसको अपना लिया। अब यूरोप वालों को यह ज्ञान अरबियों से प्राप्त हुआ और ये ज्ञान उनको अरबियों से प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसके आगे का जो मूल स्रोत है कि अरब को कहां से प्राप्त हुआ तो वो भारत से, तो उन्होंने भारत को श्रेय देने के बजाय यूरोप ने क्या किया कि ये हमको अरब से मिला है। तो इन अंकों का जो भ्रम के आधार पर यूरोप ने उसको अरेबिक संज्ञा में माना है, और इस तरह से जो भारत का ज्ञान था वो यूरोप ने अरब का ज्ञान करके स्वीकारा। अब भारतीय पद्धति की जो तुलना है वो तुलना में रोमन के जो अंक पद्धति है उसमें क्या फर्क है हम देखेंगे। अब रोमन अंक जो पद्धति है वो थोड़ी सी जटिल है और वो सीमित भी है क्योंकि उससे बहुत बड़े आंकड़े हम नहीं लिख पाते हैं। तो ये सीमित होने के कारण, जटिल होने के कारण जो आधुनिक विज्ञान की जो जरूरत थी उसकी पूर्तता के लिए रोमन जो गणित था वो असफल रहा था। अब खगोल जानकारी के लिए जो भारतीयों ने गणित के क्षेत्र में जो एक अपना विस्तार तथा एक विकास करके एक त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री ये गणित की एक शाखा को जो उन्होंने डेवलप किया था, एक विकसित किया था, और उसके बाद कैलकुलस आदि का भी जन्म इसी गणितीय संशोधन से हुआ था, तो असंख्य असंख्य के ये जो चिन्ह है जिसको लेमिस्केटस कहा सकते हैं, इस चिन्ह का जो प्रयोग है अंग्रेजी जो गणित तज्ञ जॉन मॉलिस ने 16वीं शताब्दी में यानी 1655 ईस्वी में किया था, तो उसी प्रकार का जो चिन्ह है वो भारत के पौराणिक साहित्य में मिलता है। ऐसे आड़ा जो आठ का अंक है जो भारतीय परंपरा में अनंत तथा आदिशेष इसके लिए प्रयोग किया जाता है, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं ऐसा, और वो दर्शाने के लिए आड़ा आठ का अंक प्रयोग किया जाता है। तो ये जो अनंत या आदिशेष है जिसको अभी आधुनिक गणित ने इन्फिनिटी करके जो ये चिन्ह स्वीकारा है, तो मूलतः अनंत का अर्थ ही है कि जिसका कोई अंत नहीं है, और इन्फिनिटी का अंग्रेजों ने जो स्वीकारा हुआ अर्थ है वो भी जिसकी गिनती हो नहीं सकती ऐसे इन्फिनिटी कहा है। तो यह जो चिन्ह है वो जिसे लेमिस्केटस की तरह बताया जाता है या आधुनिक गणित में जिसको इन्फिनिटी के जैसे दर्शाया जाता है वो अंग्रेजी आठ का जो आंकड़ा होता है वो वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर यूज करते हैं तो उसमें जैसे दिखता है वैसे वो होता है। तो इसका स्रोत अगर देखते हैं तो ये भारतीय
धार्मिक ग्रंथों से ही वो लिया है, ये स्पष्ट होता है। अब भारतीय अंकों की जो विश्व यात्रा की जो कथा है, वो विश्व के अनेक विद्वानों ने उसका कहीं ना कहीं लिखकर, कहीं ना कहीं वर्णन करके रखा ही हुआ है। इसका संक्षेप में कुछ उल्लेख जो है, वो तात्कालिक जो पुरी के शंकराचार्य थे श्रीमद भारती कृष्ण तीर्थ जी, उन्होंने अपने गणित शास्त्र की अद्भुत पुस्तक वैदिक मैथमेटिक्स की प्रस्तावना में स्पष्टता से किया है कि इस संदर्भ में मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि कुछ तथाकथित भारतीय विद्वानों के विपरीत आधुनिक गणित के मान्य विद्वान तथा प्रोफेसर जीपी हालस्टेंड, प्रोफेसर गिन्सबर्ग, प्रोफेसर डी मॉर्गन, प्रोफेसर हटन, ये जो मूल गणित के सत्य के अन्वेषण तथा सत्य के प्रेमी थे, इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया और प्राचीन भारत द्वारा जो गणितीय ज्ञान की प्रगति किया था या गणितीय ज्ञान के प्रगति में जो अपना एक अप्रतिम योगदान दिया था, उसकी उन्होंने निष्कपट तथा मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। मैं ये सूत्र को इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि भारत के जो तथाकथित जो गणितज्ञ है, या जिसे मैं कहूं कि लेफ्टिस्ट है या केमनिस्ट है या नास्तिक जो भारत के वैज्ञानिक या गणितज्ञ है, तो वो भारत के पारंपरिक गणित को कोई श्रेय न देकर वो श्रेय देना चाहते हैं पाश्चात्य देशों को कि देखो वो कितने आगे गए और उन्हें कितने विज्ञान में प्रगति किया और कितने गणित में प्रगति किया है, आधुनिक विज्ञान कितना आगे गया है। परंतु जो सही में आधुनिक गणित के अभ्यासक थे, विद्वान थे, उन्होंने ये बात स्पष्टता से मान्य किया, मुक्त कंठा से प्रशंसा किया कि ये जो सब कुछ है ये प्राचीन भारतीय गणित का ही योगदान है। यानी ये जो वस्तु स्थिति है वो हमें समझना है और हमें अपने देश में इसके प्रति जागृति करना बहुत आवश्यक है। प्रोफेसर जीपी हालस्टेंड वो अपनी पुस्तक गणित की नींव तथा प्रक्रिया, इस पुस्तक के पृष्ठ 20 पर वे कहते हैं, शून्य के संकेत के आविष्कार की महत्ता कभी भी बखान नहीं की जा सकती है। यानी वे इतने कृतज्ञ भाव में है कि वह कहते हैं कि इसकी बखान हम महत्ता कभी कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा वो योगदान है। वे कहते हैं कि शून्य यानी कुछ नहीं, अब कुछ नहीं को भारतीय गणितज्ञों ने न केवल नाम दिया तथा उसको सत्ता दिया, यानी उसका अधिकार, उसका मूल्य दिया है। यानी कुछ नहीं को एक नाम देना, वो शून्य नाम, और कुछ नहीं को एक सत्ता देना, सत्ता यानी उसकी स्वयं की कीमत तो शून्य है, मगर वो किसी अंक के पीछे जब लग जाता है दाहिनी तरफ तो उस अंक की कीमत वो कितने गुना बढ़ा देता है, वह उसकी सत्ता प्रतिपादित की है उन्होंने। और इसके बाद गौरव करते हुए हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू जाति के बारे में गौरव करते हुए कहते हैं कि यह शक्ति देना, शून्य को एक शक्ति देना, यह हिंदू जाति का लक्षण है। यह ऐसे हिंदू जाति की यह उपज है कि जो ये शक्ति देने का सामर्थ्य रखते हैं। यानी मूलतः केवल उन्होंने भारत को महत्व दिया ऐसे नहीं, तो उन्होंने हिंदू, हिंदू धर्म, हिंदू परंपराएं, हिंदू के ऋषि मुनि और उनका जो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे पारंपरिक विज्ञान हो, या चाहे तात्कालिक जो गणित हो, वो सबके योगदान के लिए उन्होंने ये कहा है। तो ये हमारे सनातन धर्म का, भारतवर्ष का यह जो मान सम्मान का जो वाक्य है, वो हर व्यक्ति ने अपने घर में लिखकर रखना चाहिए, इतना बड़ा ये वाक्य ऐसे मुझे लगता है। अन्य कोई भी एक गणितीय आविष्कार बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के, सामान्य के विकास के लिए इससे अधिक प्रभावशाली नहीं हुआ है। यानी गणित के अन्य कोई भी आप आविष्कार की चर्चा करो या अन्य किसी गणितीय तज्ञ के बुद्धिमत्ता तथा शक्ति या उसके योगदान का विचार करो, तो सामान्यतः गणित के विकास के लिए इससे अधिक प्रभावशाली नहीं हुआ है, ऐसे वो आगे कहते हैं। और इस संदर्भ में बीबी दत्त
आपने जो प्रबंध है अपना, एक उन्होंने जो थीसिस लिखा था उसमें संख्याओं को व्यक्त करने की आधुनिक विधि, यानी इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली जो मैगजीन निकलता था उसका अंक 3 पृष्ठ 530 450 से 530 में वे कहते हैं कि हिंदुओं ने दशमलव पद्धति बहुत पहले ही अपना लिया था। किसी भी अन्य देश की गणितीय अंकों की भाषा प्राचीन भारत के समान ना तो वैज्ञानिक थी, ना तो उसमें वो पूर्णता थी, और उस समय वो प्राप्त कर भी नहीं सकी थी। उन्हें किसी भी संख्या को केवल 10 बिंबों की सहायता से सरलता से तथा सुंदरता पूर्वक व्यक्त करने में सफलता मिली। यानी हमारे गणित का जो सफलता है, सुंदरता है, सरलता है, उसके बारे में ये बीबी दत्ता सब लिख रहे हैं। हिंदू संख्या जो अंकन पद्धति है इसकी सुंदरता के बारे में वे कहते हैं कि विश्व के सभ्य समाज को इस पद्धति ने आकर्षित किया, और इतने आकर्षित हुए कि करीब करीब विश्व के सभी सभ्य समाज ने इसको सहर्ष अपनाया भी। यानी इसमें ये उसकी सरलता, उसकी श्रेष्ठता उसमें ही सिद्ध हो जाती है कि विश्व ने निसंकोच होकर उसको सहर्ष यानी आनंद से अपनाया है, कहीं उनको वैचारिक संघर्ष उसमें नहीं हुआ है, उसकी श्रेष्ठता ही इससे व्यक्त होती है। बीबी दत्त अपने लेख में आगे कहते हैं कि अरब से मिश्र तथा उत्तरी अरब होते हुए ये अंक धीरे धीरे पश्चिम में पहुंचे, यानी भारत से अरब, अरब से मिश्र, और वहां से उत्तर उत्तर की तरफ जाकर वो पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी प्रदेश यानी यूरोप में पहुंचे थे, और 11वीं सदी में पूर्ण रूप से ये हमारे गणित की जो प्रक्रिया है वो यूरोप तक पहुंच गई थी। अब यूरोपियों ने क्या किया, उनको ये जो अंक थे वो अरब देशों से मिलने, तो उन्होंने क्या कहा कि अरबी अंक है, किंतु स्वयं अरब क्या कहते थे, उस समय के सभी अरबों का एक मत था कि उन्हें ये जो है ये हिंदू अंक, उसको क्या कहते थे अपनी अरबी भाषा में, अल अरकान अल हिंद, हिंदू अंक को अल अरकान अल हिंद उन्होंने कहा था उसको। यानी जिसको पश्चिमी अरब देशों से मिलने के कारण अरबी अंक कहते थे, तो अरब उन अंकों के संदर्भ में उसको हिंदू अंक कहते थे। यानी ये अगर कड़ी जोड़े जाती है तो यूरोप में जो अंक पद्धति है वो मूल अरब नहीं तो वो भारत से गई हुई अंक पद्धति है, ये यहां पर स्पष्ट होता है। लगभग ईस्वी सन 770 में उज्जैन के एक हिंदू विद्वान थे कंक। कंक को बगदाद के जो प्रसिद्ध दरबार थे उसमें अब्बा सईद खलीफा अल मंसूर ने आमंत्रित किया था। इसका पूरा वर्णन अरबी इतिहास में आपको मिलेगा। और ये जो उज्जैन से हमारा विद्वान कंक था जो बगदाद के दरबार में गया था, तो उसके माध्यम से ये जो हिंदू अंकन पद्धति है वह अरब में पहुंची थी। कंक ने अरब में जाकर वहां पर हिंदू ज्योतिष विज्ञान तथा गणित है वो वहां के अरबी विद्वानों को पढ़ाया है, सिखाया है। कंक की सहायता से उन्होंने ब्रह्मपुत्र के जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है उस ग्रंथ का भी अरबी में अनुवाद करके अरबों को दिया है। तो जैसे ग्रंथ भाषांतरित करके यहां से वो अरब देशों में लेके गए, वैसे हमारे कुछ विद्वानों को यहां से लेकर जाकर अरबी देशों को विद्वानों को भी वहां प्रशिक्षित और सिखाने का काम भारतीय विद्वानों ने किया था, और उसके बाद वहां पर गणित के क्षेत्र में कुछ आगे की चलन मलन शुरू हुई थी। तो मूल जो क्रम है वो भारत से अरब, अरब से यूरोप, ये क्रम है। यूरोप को इतना ही पता है कि उनको अरब से मिला है करके उसको वो अरबी अंक कहते हैं, मगर वो थोड़े से दो कदम आगे जाकर उसका स्रोत ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वो भी उसको भारतीय कहेंगे। भला यूरोप नहीं कहते, परंतु अरब के विद्वान कहते हैं कि ये अल हिंद की देन है हमें। तो इस प्रकार से ये जो सत्य इतिहास है उसकी कड़ी को कड़ी जोड़कर अगर हम सभी आधुनिक विज्ञान या गणित या चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथों का अगर पुनर्लेखन करते हैं
और वो निष्कपटता से, सत्यता से और मूल स्रोत को जानकर करते हैं, तो मुझे लगता है कि सभी विश्व को भारत के चरणों में आके साष्टांग दंडवत करने की आवश्यकता है। और सब चीजों का जो बेस है या नींव है या उसकी जो उत्पत्ति के लिए है, वो सभी स्रोत भारत में ही आकर रुकते हैं, इसका हमें स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, ऐसे मुझे कहना है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आज के गणित विषय पढ़ाने की तुलना में भारत में प्रचलित गणित पढ़ाने की कला में क्या भेद है, तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए। बड़ा सुंदर प्रश्न है, क्योंकि प्रचलित जो गणेश गणित की जो शिक्षा पद्धति है वो थोड़ी सी एक मोनोटोनस या एक नीरस पद्धति है, जिसका स्वयं का ही बहुत उसमें इंटरेस्ट हो या उसकी रुचि हो तो वही उसमें आगे जा सकता है। और सर्वसामान्य जो हमारे नागरिक है वो तो गणित से डर कर ही भाग जाते हैं, तो यह जो एक विडंबना है वो पहले नहीं थी। आजकल का गणित जो एक है अत्यंत तो शुष्क विषय माना गया है, परंतु भास्कराचार्य का जो ग्रंथ था लीलावती, और उसमें जो गणित विशद किया है उन्होंने या गणित को सिखाने की जो प्रक्रिया उन्होंने बताई है, वो प्रक्रिया ही एक मूलतः आनंद के साथ थी, मनोरंजन के साथ थी, सीखने वालों के मन में जिज्ञासा निर्माण करने वाली थी, यानी दो चार प्रकार के मिश्रण करके ये गणित सीखने की अध्ययन अध्ययन की दोनों प्रक्रिया जो है वो आनंददायी थी। लीलावती इस ग्रंथ में उन्होंने जो एक उदाहरण दिया है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि वो गणित का कैसे, तो एक गणित का प्रॉब्लम वो कैसे बताते हैं कि निर्मल कमलों के एक समूह के एक तृतीयांश, एक पंचमांश तथा एक षष्ठमांश, इतने कमलों के फूलों से क्रमशः शिव, विष्णु और सूर्य की पूजा किया। अब चतुर्थांश से पार्वती माँ की पूजा किया और जो शेष छह बचे वो छह कमलों से गुरु चरणों की पूजा हुई। तो ये उन्होंने गणित का प्रॉब्लम सामने रखा है। अब वो अपने पुस्तक में पूछते हैं कि अये बाले लीलावती, शीघ्र बता कि उस कमल समूह में कितने फूल थे। यानी लीलावती मूलतः उनके पत्नी का नाम है, और वो जब ग्रंथ लेखन कर रहे थे तो ग्रंथ लेखन करते समय गणित का जो वो प्रॉब्लम उसमें लिख रहे थे, तो वो प्रॉब्लम अपने पत्नी को संबोधित करके ही उन्होंने उसका उत्तर पूछा कि अगर इस तरह की अगर पूजा हुई तो कुल कितने कमल के फूल थे, ऐसे प्रश्न उन्होंने पूछ लिया। उसका उत्तर था 120 कमल के फूल। तो अगर इसका उल्टे क्रम से अगर हम जाते हैं तो छह कमलों से अगर हमने गुरु चरणों की पूजा किया तो फिर 114 बचते हैं, और उसको अगर हम 1/3 + 1/5 + 1/6 + 1/4 = 114 अगर करते हैं तो ये उसका उत्तर हमें मिल जाता है। वर्ग और घन, जिसे हम स्क्वायर या क्यूबिक कहते हैं, उसको समझाते हुए भास्कराचार्य कहते हैं कि अये बाले लीलावती, वर्गाकार क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल वर्ग कहलाता है, यानी दो समान संख्याओं का गुणन भी वर्ग कहलाता है। इस प्रकार तीन समान संख्याओं का जो गुणनफल है वो घन है, और 12 कोष्ठों और समान भुजा वाला ठोस भी घन है। मूल शब्द संस्कृत में पेड़ या पौधे की जो जड़ है उसके अर्थ में या व्यापक रूप में किसी वस्तु के कारण या उद्गम, इस अर्थ से प्रयुक्त होता है। इसलिए प्राचीन गणित में वर्गमूल का अर्थ वर्ग का कारण या उद्गम अर्थात वर्ग की एक भुजा, उसी प्रकार घनमूल का भी अर्थ हमें समझा जा सकता है। वर्ग तथा घनमूल निकालने की अनेक विधियां प्रचलित थी। अब भास्कराचार्य के जो एक त्रयराशि का उन्होंने सिद्धांत रखा था, जिसको रूल ऑफ थ्री भी कहा जाता है या कभी कभी उसको गोल्डन रूल के नाम से भी प्रचारित किया गया था, तो भास्कराचार्य
अपने लेखन में त्रैराशिक का भी स्पष्ट उल्लेख करते हैं। ये त्रैराशिक में द गोल्डन रूल ऑफ थ्री जो होता है उसमें तीन राशियों का समावेश होता है और उसको एक चौथी राशि उनको उसमें से निकालनी होती है। तो तीन राशि के समावेश के कारण इसे त्रैराशिक कहते हैं, गोल्डन रूल ऑफ थ्री कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम, अगर हमें 51 रुपए में 3 किलो चावल मिलता है तो 85 रुपए में कितना मिलेगा। अब इसमें तीन राशि हमारे पास है और चौथी राशि हमें ढूंढना है, तो ये जो कैलकुलेशन है उसको त्रैराशिक कहते हैं और इसे गोल्डन रूल ऑफ थ्री भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, 51 यानी प्रमाण है, 51 रुपए में ये हमारे पास का प्रमाण है। 3 किलो जो चावल है वो उस 51 रुपए के प्रमाण का 3 किलो चावल ये फल है। अब हमारी इच्छा क्या है कि हमारी इच्छा है कि भाई 85 रुपए हमारे पास है तो उसमें कितना चावल मिलेगा। तो ये जो गणितीय समीकरण हमें रखना है ये समीकरण को त्रैराशिक कहा जाता है। तो इसमें प्रमाण, फल, हमारी इच्छा क्या है और उसका कितना आगे फल मिलेगा, इस तरह का वो कैलकुलेशन इसमें रखा जाता है। इस त्रैराशिक प्रश्नों में सर्वप्रथम जो फल राशि है उसको हमको इच्छा राशि से गुणा करना चाहिए और उसका जो फल आता है उसको प्राप्त, जो हमारे पास गुणनफल है उसको हमारा जो प्रमाण राशि है उससे उसको भाग देना चाहिए। ये सब कैलकुलेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसलिए वो आपको समझना आसान भी होगा। तो इस प्रकार भाग करने से जो परिणाम मिलेगा वही हमारा इच्छा फल है। 51 का इच्छा फल तो हमें पता था पर 85 रुपए में कितना चावल मिलेगा वो हमको इस त्रैराशिक में हमको मिलता है। तो आज से 2000 वर्ष पूर्व त्रैराशिक नियम का भारत में आविष्कार हुआ था। अरब देशों में यह नियम 8वीं शताब्दी में पहुंचा। अरबी गणितज्ञों ने यह त्रैराशिक को फी रशिकात अल हिंद ऐसा नाम दिया था और वो नाम में ही अल हिंद देने का उसका मतलब था कि उनको ये ज्ञान भारतीय परंपरा से मिला था, भारत के ही संदर्भ से मिला था। तो जहां जहां उन्होंने अल हिंद या इस तरह का उल्लेख किया है वो अत्यंत गौरवास्पद, भारत की हमारे हिंदू या सनातन परंपरा के गौरव के संदर्भ में उन्होंने उस समय उल्लेख किया था, ये हमें समझने की आवश्यकता है। अल हिंद ये हिंदू धर्म की गौरव गाथा है, यह समझने की आवश्यकता है। अल हिंद इसमें से हिंदू नाम को उस समय भी कितना गौरव अरब देशों में मिलता वो भी हम समझ सकते हैं। अब 8वीं शताब्दी में अरब देशों से बाद में देर सवेरे यह यूरोप में फैला जहां उसको रूल ऑफ थ्री या गोल्डन रूल की उपाधि से उसको स्वीकारा गया। अब प्राचीन गणितज्ञों ने न केवल त्रैराशिक अपितु पंचराशिक, सप्तराशिक एवं नवराशिक, यहां तक के हमारे भारतीय परंपरा के गणितज्ञ को ज्ञान था, परंतु अभी जो वर्तमान आधुनिक गणित है वो इसको भारतीय ज्ञान करके स्वीकारने को तैयार नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। मगर फिर भी अरब देश एक तरह से उसको अल हिंद की एक उसमें जोड़कर भारत के गौरवशाली परंपरा को वो सम्मान देते हैं, यह हमारे लिए आशा की बात है। अब जल्दी ही शीघ्र ही ऐसे सब ग्रंथों के संदर्भ में पुनर्लेखन करके मूल स्रोत तक के कहां से ज्ञान मिला, वो नींव कहां से थी, वो ढूंढकर अगर इतिहासों का पुनर्लेखन करते हैं तो विश्व के किसी भी विषय की जड़े वो अगर भारत में ना मिली तो ऐसा होना संभव नहीं, ऐसे मुझे लगता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मुझे यही आपसे पूछना था कि भारतीय गणित के प्रति विश्व भर के जो विद्वान थे तो उन्होंने गौरवपूर्ण उद्गार निकाले थे कि भारत में ही इसका निर्माण हुआ, उन्होंने वो व्यक्त भी किया है, परंतु भारतीय गणित को किस प्रकार से यूरो केंद्रित का शिकार बनाकर कमतर दिखाया गया, तो इसके संदर्भ में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये तो सत्य है कि हम यूरो केंद्रित जो ये षड्यंत्र चल रहा है उसके हम शिकार है, भुक्तभोगी है, हम बलि है, क्योंकि भारत गणित शास्त्र का जन्मदाता ही रहा है। यह अभी धीरे धीरे दुनिया एक तरह से मान्य कर रही है, ऐसे अनेक जगह में दिखाई दे रहा है। यूरोप की जो सबसे पुरानी गणित की जो पुस्तक है कोडेक्स विजिलेंस,
यह पुस्तक स्पेन की राजधानी माद्रिद के संग्रहालय में रखी है। इसमें लिखा है, गणना के चिन्हों से यानी अंकों से हमें यह अनुभव होता है कि प्राचीन हिंदुओं की बुद्धि बड़ी पैनी थी तथा अन्य देश गणना व ज्यामिति तथा अन्य विज्ञानों में उससे बहुत पीछे थी, और यह उनके 9 अंकों से प्रमाणित हो जाता है जिनकी सहायता से कोई भी संख्या गणित में लिखी जा सकती है। यानी स्पेन के माद्रिद में उनके संग्रहालय में जो गणित का जो प्राचीनतम यूरोप की दृष्टि से जो पुस्तक है, उस पुस्तक में भारत की प्राचीनता, भारत की गणित की परिपूर्णता, भारत के विज्ञान की परंपरा का इतना कौतुक लिखा है, तो ये यूरोप के षड्यंत्र का भाग है कि वो भारत को श्रेय देना नहीं चाहता है, और वो चाहे आधुनिक विज्ञान हो, आधुनिक गणित हो, आधुनिक चिकित्सा हो, उसके श्रेय को अपने नाम पर लिखकर स्वयं को झूठा गौरवित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये तो यही पोल खोल उनकी हो जाती है। अब भारत और वैज्ञानिक क्रांति यानी इंडिक मैथमेटिक्स, इंडिया एंड द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इस ग्रंथ में डॉक्टर डेविड ग्रे लिखते हैं कि पश्चिम में गणित का अध्ययन लंबे समय से कुछ हद तक राष्ट्र केंद्रित पूर्वग्रह से प्रभावित रहा। यानी पूर्वग्रह एक व्यक्ति केंद्रित होता है, वैसे पूर्वग्रह एक राष्ट्र केंद्रित होता है, यह एक नई संज्ञा वो बता रहे हैं। और एक ऐसा पूर्वग्रह जो प्राय बड़ बोले जातिवाद के रूप में नहीं, बल्कि गैर पश्चिमी सभ्यताओं के वास्तविक योगदान को नकारने या गैर पश्चिमी सभ्यताओं के वास्तविक योगदान को मिटाने के प्रयास के रूप में दिखाई देती है, परिलक्षित होती है, ऐसे वो लिख रहे हैं। यानी यहां तो स्पष्ट वो मान्य ही कर रहे हैं कि जैसे पूर्वग्रह एक व्यक्तिनिष्ठ होता है, एक समाज निष्ठ होता है, एक जाति निष्ठ हो सकता है, तो पश्चिमी देश और गैर पश्चिमी देश, चाहे आधुनिक विज्ञान की प्रगति का हो, आधुनिक गणित की प्रगति का हो, या चिकित्सा की प्रगति का हो, तो गैर पश्चिमी देशों को श्रेय देने की बजाय उसके नकारने की या श्रेय को मिटाने के प्रयास जो यूरोप में हुए, वो कितना बड़ा षड्यंत्र है। वो तो स्वयं एक यूरोप के ही एक अभ्यासक लिख रहे हैं अपने ग्रंथ में, और उसमें वो आगे लिखते हैं कि पश्चिम तथा अन्य सभ्यताओं जो सभी है वो विशेषकर भारत का ऋणी रहा है, और यह ऋण पश्चिमी वैज्ञानिक परंपरा के प्राचीनतम काल यानी यूरोप के प्राचीनतम जो उनकी प्रगति की परंपरा रही, चाहे वो ग्रीक सभ्यता के युग से प्रारंभ होती हो या वो तो ग्रीक सभ्यता से आधुनिक काल के प्रारंभ तक या उस प्रक्रिया के पुनरुत्थान का एक काल तक जारी थी। जब यूरोप अपने अंधयुग से जाग रहा था, यानी देखो बड़े स्पष्टता से पाश्चात्य विद्वान लिख रहे हैं कि जब यूरोप अपने अंधयुग से यानी अपने अज्ञान युग से यानी अपने पिछड़ेपन से जाग रहा था, तब ये भारत की देन उनको थी। इसके बाद डॉक्टर डेविड ग्रे भारत में घटित गणित के सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण विकसित उपलब्धियां थे उसकी सूची बनाते हुए उसमें जो भारत के गणित के चमकते सितारे यानी हमारे ऋषि मुनि जी थे, जो एक तरह से वैज्ञानिक थे, वो अनुसंधानक थे, वो शोधकर्ता थे, ऐसे आर्यभट्ट हो, ब्रह्मगुप्त हो, महावीर हो, भास्कर हो या माधव हो, सभी के योगदानों का उन्होंने अपने ग्रंथ में संक्षेप में वर्णन किया है। अंत में वे जोर देकर यह भी कहते हैं कि यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति के विकास में भारत का योगदान केवल हाशिए पर लिखे जाने वाली टिप्पणी नहीं है, जिसे आसानी से और अतार्किक तौर पर यूरोप केंद्रित पूर्वाग्रह के आडंबर में छिपा दिया गया है। ऐसा करना ये इतिहास को विकृत करना है और वैश्विक सभ्यता में भारत के महानतम योगदान को नकारना है, और ये एक तरह से पाप है, एक तरह से ऋण है, इस तरह से ये स्वयं लिख रहे। तो ये पश्चिम जो विद्वान है
उन्होंने स्वयं ही पश्चिमी देशों की पोल खोल किया है, उसमें उनके षड्यंत्र को उजागर किया है। आज के जो वामपंथी है, सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट है, या जो स्वयं को सुधारमतवादी कह रहे हैं, वो भारत या हिंदू धर्म को पिछड़ा कहते हैं या भारत या हिंदू धर्म के विरोध में कार्य करते हैं, उनको यह सब समझ के लेने की बात है कि जिनको भारत के योगदान की महती पता चली, केवल भारत के योगदान की नहीं, तो एक जगह एक विद्वान ने हिंदू जाति हिंदू धर्म की विद्वत्ता को, उन्होंने महानता को स्वीकारा है। जब तक वो स्वीकारते हैं, वो पूर्वग्रह नष्ट नहीं करते, तब तक उनके आकलन में ये सच्चा इतिहास आना कठिन है। अब भारत गणित ये यूरो केंद्रित उनके जो मनोवृत्ति का कैसे शिकार हुआ है वो अभी हम समझ लेंगे। अब वर्तमान में यह स्पष्ट रूप से माने जा रहा है कि गणित में जो भारत का योगदान है उसको सुनियोजित तरीके से कमतर बताया गया है या उसकी उपेक्षा की गई है। भारतीय मनुष्यों द्वारा गणित में बहुत से जो योगदान, चाहे अनुसंधान के रूप में हो या गणित के विकास के संदर्भ में हो, तात्कालिक यूरोप को वो पता था, जिसका ज्ञान विज्ञान यूरोपियों ने थोड़े बहुत हेरफेर करके अपने प्रगति के नाम पर मूल अनुसंधान को स्वयं के नाम पर ही प्रस्तुत कर दिया है, यानी इंटेलेक्चुअल थेफ्ट या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट बनाकर जो चोरी रोकने का प्रयास किया है, तो शायद ये अगर उस समय लागू किया तो ये जो पाश्चात्य देशों के सब जो अनुसंधान है वो सब पूरे भारत के नाम पे आएंगे। और अभी भी ऐसी विकट स्थिति यूरोप और अमेरिका में है, चाहे बासमती के चावल का पेटेंट हो, चाहे कड़वे नीम का आयुर्वेदिक दांत घसने से लेके दवाई के लिए पेटेंट हो, या जो भी अभी हमारे आयुर्वेदिक या वनस्पति जन्य औषधिया या कृषि उत्पाद है, चाहे हल्दी का ट्रीटमेंट के दृष्टि से पेटेंट हो, अल्जाइमर्स के रूप में हो या एंटी इन्फेक्टेंट के रूप में हो, तो अभी भी उनका इंटेलेक्चुअल थेफ्ट का प्रयास चल ही रहा है, पेटेंट जबरन लेकर और भारत को लड़ लड़कर पेटेंट वो वापस लेकर अपने नाम पे कर पड़ रहा है। वो उस समय ऋषि मुनि अत्यंत उदात्त भाव से थे, तो उनको कोई अपने नाम पे ले रहे तो उनको उतना बुरा नहीं लगता था। उस समय ये समझने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स या ये भी बहुत मर्यादित थे। तो आज हमको जड़ तक जाकर वापस ये सब ग्रंथों का पुनर्लेखन, इतिहास का पुनर्लेखन करने की आवश्यकता है। और ये अगर हो जाता है तो भारत की गौरवशाली परंपरा पुनश्च विश्व में स्थापित होगी, ऐसे मुझे लगता है। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, वर्तमान में वैदिक गणित अधिक प्रचलित हो रहा है, तो इस वैदिक गणित के बारे में भी आप हमें सभी को जानकारी दे। जगन्नाथपुरी का जो पुरी पीठ है, वहां के जो तत्कालिक शंकराचार्य थे, शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी, उन्होंने 8 वर्ष की साधना से एक नवीन गणितीय पद्धति की खोज किया और उस पद्धति को उन्होंने बिना आंसू का गणित कहा था। यानी शायद इसीलिए कहा होगा कि वर्तमान जो गणित सीखने की पद्धति है वो शायद वो विद्यार्थियों को रुलाता ही होगा, आंख में से आंसू ही निकालता होगा। तो उन्होंने उसे बिना आंसू के गणित कहा था, यानी वो नाम भी इतना क्यों दिया वो भी हमें जानने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में जो गणित था, जो शुष्क था, जो उदास था, जो सताने वाला था, जो मतलब एक तरह से विद्यार्थी को रुलाने वाला था, तो ये जो नया गणित की पद्धति थी वो अत्यंत सरल और आनंद देने वाला होने के कारण उसे शंकराचार्य जी ने ऐसे कहा होगा। अपनी इस पद्धति को उन्होंने वैदिक गणित कहा था और उन्होंने कहा था कि इसका जो आधार है वो वेद ही है। उन्होंने 16 मुख्य सूत्र तथा 13 उपसूत्र दिए हैं, जिसका अभ्यास करने पर 10 प्रकार का गणित, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, गोलीय त्रिकोणमिति, घन ज्यामिति इत्यादि सभी प्रकार के जो गणितीय प्रश्न है वो चुटकी में हल किए जा सकते हैं। यहां उन्होंने यह स्पष्ट किया
कि वेद मात्र संहिता नहीं है। वेदों में जो मंत्र है वो किसी कर्मकांड या केवल पूजा विधि के वो संहिता इतना यहां तक वेद सीमित नहीं है। तो वेद अर्थात समस्त ज्ञान का स्रोत है। वेद यह एक असीमित कोश है, उसमें से हम साधना करके अध्ययन करके हम जो चाहे वो उसमें से हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस व्यापक परिधि में अगर हम देखते हैं तो वैदिक गणित के नाम के सूत्र वेदों के ही अंतर्गत आते हैं। यद्यपि यह जो सूत्र है वर्तमान संहिता ग्रंथों में इस रूप में नहीं मिलते हैं, इन सूत्रों का अभ्यास होने पर और इन्हें लागू करने के जो तरीके आप अगर जानते हो तो उसमें से आश्चर्यकारक प्रमाण आपको मिलते हैं। जगत गुरु जी ने स्वयं देश के कुछ विश्वविद्यालयों में गए, इस वैदिक गणित का उन्होंने प्रत्यक्ष शिक्षक और विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शन किया। वह केवल भारत ही नहीं तो भारत के बाहर के भी देशों में जाकर विश्वविद्यालयों में इन्होंने प्रदर्शन किया था। तो अमेरिका में गणितों के प्राध्यापकों के बीच में उन्होंने जब इसका एक प्रदर्शन किया था और उन्हें वहां पर एक जटिल सवाल पूछा गया और वो जो जटिल सवाल था वो तात्कालिक जो गणित के प्राध्यापक या विद्यार्थी थे तो उनको छुड़ाने के लिए कम से कम 3-4 पन्नों पर पृष्ठों पर वो लिखकर उसके स्टेप डालकर फिर उसका उत्तर निकाल पाना उन्हें संभव होता था। परंतु जैसे वो जटिल प्रश्न उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी से पूछा तो प्रश्न पूछते ही उन्होंने अपना जो उत्तर था वहां पे ब्लैकबोर्ड पर उन्होंने लिखा और यह देखकर वो जो सभी श्रोता थे वो अचंभित हो गए। सब स्वयं गणित के ही प्राध्यापक थे, उनको पता था कि सामान्य विधि से अगर गए तो छुड़ाने के लिए कम से कम 3-4 पन्नों तक कैलकुलेशन करना पड़ेगा और 5 से 10 मिनट उसका उत्तर देने के लिए लगा। परंतु जैसे ही प्रश्न पूछना खत्म हुआ, जैसे ही जगत गुरु शंकराचार्य ने अपना उत्तर लिखा तो श्रोता अत्यंत अचंभित हो गए। इंग्लैंड के उस समय जो प्रोफेसर निकोलस वहां उपस्थित थे उन्होंने कहा था कि ये तो वैदिक गणित नहीं, ये तो जादू है। जगत गुरु भारती कृष्ण तीर्थ से जब लोग पूछते थे कि ये गणित है या जादू है तो वो क्या उत्तर देते थे वो हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। वे कहते थे कि जब तक ये आप जानते नहीं तब तक ये आपके लिए जादू है और जब ये जान लेंगे तो ये आपके लिए गणित है। यानी हमारी शंकराचार्य परंपरा, हमारे ऋषि परंपरा को जो अवैज्ञानिक है करके बोल रहे हैं, ये जादू या चमत्कार करने वाले या अंधविश्वासी पिछड़े ऐसे करके जो आरोप करते हैं उनके लिए जगत गुरु शंकराचार्य का उत्तर एक उनके मुंह पर तमाचा है ऐसे मुझे लगता है। शंकराचार्य स्पष्ट कहते कि अगर जब तक आप उसे जानते नहीं तब तक वो जादू है, अगर जान लो तो गणित है। यानी इतनी वैज्ञानिक वृत्ति, इतनी वैज्ञानिक विचार प्रणाली भारत के साधु संत या सनातन धर्म के अनुयायी है, जो हिंदू धर्म के अनुयायी है, वो इतने विज्ञाननिष्ठ वस्तुनिष्ठ है कि वो अन्य विश्वास करके कोई बात नहीं स्वीकारते। उसकी वैज्ञानिकता उन्होंने अनुभव की होती, प्रत्यक्ष अनुभव का उनका आधार होता है, उसके आधार पर वो बोलते हैं। मगर ये जो झूठे विज्ञानवादी है जो स्वयं प्रयोग नहीं करना चाहते, ईश्वर के संदर्भ में कुछ है इसके लिए भी प्रयोग नहीं करना चाहते और ईश्वर नहीं है ये सिद्ध करने के लिए भी जो प्रयोग नहीं करना चाहते और वो स्वयं को वैज्ञानिक वृत्ति के या वैज्ञानिक एटीट्यूड के बताते, यही उनका अंधविश्वास है ऐसे मुझे लगता है। और इसलिए भारत में जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसके लिए सच्चा इतिहास, युवकों ने सनातन परंपरा की जो वैज्ञानिक पारंपरिक अवधारणाएं, हमारे पारंपरिक गणित की अवधारणाएं है, हमारे पारंपरिक चिकित्सा शास्त्र की अवधारणाएं है, हमारा इतिहास है, हमारे जो धातु शास्त्र के निर्मिति से लेके तो उत्खनन से लेके जो हमारी पुरानी जो सब प्रक्रिया है उसका इतिहास जानना, वो सीखना और उसके आधार पर एक वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक दृष्टि से धर्म का अध्ययन करके अध्यात्म शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में धर्म को जानना, ये कार्य परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी इन्होंने सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति माध्यम से ये जब से शुरू किया तो हम जैसे विज्ञान पढ़े हुए लोगों को जब हमको अध्यात्म के विज्ञान का पता चला, हमारे धर्म की हर कृति कैसे विज्ञाननिष्ठता ये हमें पता चली, हमारे यहाँ जो बायोसोमेटिक्स और अन्य उपकरणों को लेके आश्रम में जो नया नया अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है,
और सनातन धर्म में से चाहे तिलक लगाने की प्रक्रिया हो, पूजा करने की प्रक्रिया हो, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया हो, पूजा के बाद मूर्ति में उसकी ऊर्जा या औरा बढ़ता है इसके संदर्भ का अध्ययन हो, या मंदिर में अधिक ऊर्जा रहती है सकारात्मक और मंदिर जाने से दर्शन लेने से लाभ होता है यहाँ से लेके, तो सनातन धर्म में जो 16 संस्कार बताए, मंत्रोच्चार बताए, उससे व्यक्ति के जीवन में होने वाले परिणाम, या साधना मंत्रोच्चार नाम जप से व्यक्ति के ऑरा की क्लींजिंग या ऑरा शुद्धिकरण कैसे थे, उसके सकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़ती, ये जो सब संशोधन चल रहा है, और इस आधुनिक विज्ञान के कुछ उपकरणों के माध्यम से सनातन धर्म की प्रत्येक विधि, ये अत्यंत वैज्ञानिक है। मनुष्य नहीं तो प्राणी मात्र, ये वनस्पति वातावरण सभी को वो उपयोगी है, और ये करने के बाद व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और एक उत्कर्ष में ही, प्रगति में ही उसका लाभ होता है, नुकसान तो होता ही नहीं है। जब ये स्थापित हो रहा है तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में ये आधुनिक विज्ञानवादी ही सनातन धर्म की महत्ता को समाज में स्थापित करेंगे, और तब तक हमें यह धर्म शिक्षा देना, धर्म को आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में समाज के सामने रखना, धर्म विज्ञान को, या धर्म में विज्ञान कैसे होता है वो समाज के सामने की जो रखने की प्रक्रिया है, वो हम सबको मिलकर करनी होगी। और इसका जो फल है समाज में, भारत में या पूरे विश्व में, धर्म की संस्थापना, धर्म की प्रतिष्ठापना होना, और एक तरह से भारत पुनश्च विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया पूर्ण होना, इस मार्ग से जाएगी ऐसे मुझे लगता है कार्तिक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। आज आपके माध्यम से हमें गणित इस विषय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। गणित का मूल जो जड़ है वो इस भारत भूमि से गया है। हमारे वैज्ञानिक जो संत थे, जो ऋषि मुनि थे, आज उनके ही कारण आज पूरे विश्व को गणित मिला है। पूरा शून्य का शोध भारत से गया है, ये हमें पता चला। वैदिक मैथ्स जो हम कहते हैं, वैदिक गणित, इसका जो मूल स्रोत है वो भी इस भारत से गया है। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमें आज आपके माध्यम से मिली। हम सभी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि ये गणित के विषय में जो यहाँ पर आज बताया गया, ये अन्य लोगों तक भी आप पहुँचाएं, हमारे अंदर भी एक स्वाभिमान निर्माण होगा कि गणित में आज जो सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण शून्य जो दिया है वो आज भारत ने दिया है, और भारत के हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने दिया है। ये जब हमें पता चलेगा तो अपने आप हमारे अंदर भी एक स्वाभिमान निर्माण होगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ये जो चैनल देख रहे हैं इसको अवश्य सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक इस ये मालिका जो धर्म विज्ञान के आप देख रहे हैं इसको आप शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर इस चैनल पर आप नोटिफिकेशन आप ऑन कर सकते हैं ताकि समय समय पर जो महत्वपूर्ण विषय हम यहाँ पर लेकर आने वाले हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुंचे, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। यह विषय सुनते समय यदि आपके मन में कोई शंका निर्माण हुई हो तो आप अवश्य अपने चैट बॉक्स पर, कमेंट बॉक्स पर लिखकर दे सकते हैं। आपके शंकाओं का समाधान करने का हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म विज्ञान का यह सत्र यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।